ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। ये कहानी है 15 साल की टीनेज लड़की मीना की। मीना एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी जो अपने पापा के साथ रहती थी। मीना की माँ उसे छोड़कर बचपन में ही चली गई थी, जिसका जिम्मेदार वो अपने पापा को मानती थी। जब मीना छोटी थी तब वो रोज अपने मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखती थी। खासकर उसके पापा मीना की माँ को हर रोज डांटते थे, उस पर चिल्लाते थे। और एक दिन इन्हीं झगड़ों से तंग आकर मीना की माँ उसे और उसके पापा को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तब मीना 6 साल की थी, उसे इतनी समझ नहीं थी। मगर उसकी माँ के जाने के बाद उसके पापा मीना के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे, ना उसे किसी के साथ खेलने देते, ना उसे ज्यादा घर से बाहर निकलने देते। और इतना ही नहीं बल्कि वो हमेशा पढ़ाई के लिए उस पर दबाव बनाकर रखते थे। इन सब की वजह से बढ़ती उम्र के साथ मीना के दिल में उनके लिए गुस्सा और नफरत बढ़ती गई। अब मीना 15 साल की हो चुकी थी। मीना घर में अपने पापा के साथ शांत तो रहती, मगर वो अपने घर के बाहर असली रंग दिखाती थी। मीना घर के बाहर खूब घूमती, अपने पापा से झूठ बोलकर उनसे स्कूल और ट्यूशन की फीस के नाम पर पैसे लेती और फिजूल की चीजों में खर्च कर देती। मीना और उसकी सहेलियां कभी कभी स्कूल के वक्त में स्कूल के बजाय अलग अलग जगह पर घूमने जाते और घर पर एक्स्ट्रा क्लासेस का झूठ बोलते, पर उनका ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक दिन मीना को अपने स्कूल से थोड़ी दूर वाले शमशान घाट के बाहर एक अजीब सी आधी जली हुई किताब मिली, जिस पर लिखा था काले जादू की किताब। ये कैसी अजीब सी किताब है, क्या लिखा है इसमें? ये किताब तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगी। क्या सच में? तब तो तुम्हें इसकी जरूरत है, अपने पापा से छुटकारा मांग लो। मीना वो किताब अपने साथ अपने घर लेकर आती है, उसे पढ़ने लगती है। उस किताब में एक ऐसे काले जादू की विधि लिखी थी जिससे आप जिन्नात को बुलाकर अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। मीना उस किताब को पूरा पढ़ती तो है, मगर उसके आखिरी कुछ पन्ने जले हुए होने की वजह से वो आखिरी कुछ लाइन समझ नहीं पाती। एक दिन मीना अपने सहेलियों के साथ दोबारा स्कूल के वक्त में बाहर घूम रही होती है, तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं। मीना के पापा को अब सारी बात पता चल चुकी थी। क्या तुम्हें मैंने ये सब करने के लिए स्कूल भेजा था? बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम्हारा घर के बाहर निकलना बंद। मीना अपने कमरे में बहुत रोती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे प्यार से समझाती। अब मीना अपने पिता को और नहीं झेलना चाहती थी, उसे अब उनसे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए था। मीना गुस्से में वो काले जादू की किताब निकालती है और उसमें दी गई इच्छा पूर्ति की विधि को करने लगती है। सबसे पहले उसे एक कागज पर उस चीज का नाम लिखना था जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, और फिर उसी कागज पर एक सितारे के आकार को बनाकर उस किताब में दिए गए मंत्र को बोलते हुए अपने खून की कुछ बूंदे उस कागज पर डालनी थी। मीना ये विधि पूरी करती है। बताइए आपकी क्या इच्छा? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा को मेरे जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दो, इतना दूर कि वो दोबारा कभी मुझे परेशान करने के लिए
वापस ना आ सके। बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरे दिन जब मीना अपने पिता के साथ खाना खा रही होती है तो वो अचानक से खून की उल्टियां करने लगते हैं। मीना समझ जाती है कि ये उसके काले जादू का ही असर है। मीना के पिता की तबीयत अब दिन ब दिन और ज्यादा खराब होने लगी थी। धीरे धीरे करके उनके सारे के सारे बाल झड़ने लगे। वो जब भी खाना खाने बैठते थे हर रोज एक एक करके सारे दांत गिरने लगे। मीना के पापा अब इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और एक दिन अस्पताल में जब मीना उनके पास बैठी होती है, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? क्या मैं? नहीं पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने माँ के जाने के जिम्मेदार भी मुझे ही मानती हो। लेकिन ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए तुम्हें सच बताना ही होगा। दरअसल जब तुम छोटी थी तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। एक दिन मुझे उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला और इसी बात को लेकर हमारे बीच में रोज झगड़े होने लगे। मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की वो तुम्हें इतनी कम उम्र में अकेला छोड़कर ना जाए, पर एक दिन मुझे बिना बताए वो चली गई। मैं क्या करता, मुझे लगा मैं तुम्हें ज्यादा छूट दूंगा तो तुम भी मुझे एक दिन अपनी माँ की तरह छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी सख्ती बरतता था। यह सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पर मीना ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसे लगा अगर ये जादू किताब से आया है तो इसका तोड़ भी किताब में ही हो। ये सोचकर वो घर वापस आकर उस किताब में अपने जादू का तोड़ ढूंढने लगती है। किताब आधी जली हुई थी इसलिए वो पहले तो उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, पर फिर उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। मीना ने विधि को ठीक से पढ़ा ही नहीं था। किताब के दूसरे पन्ने पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, ये जादू तुम्हारी इच्छा पूर्ति के बाद बदले में तुमसे तुम्हारी कीमती चीज लेगा। और तब मीना को याद आता कि इस जादू की विधि को शुरू करने से पहले ही उसने कागज पर अपने सबसे कीमती चीज का नाम लिखा था, उसकी जान। मीना को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने पिता के साथ अपनी जिंदगी का भी सौदा कर लिया था। मीना को जल्द ही उस जादू का तोड़ ढूंढना था क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तभी उसका फोन बजता है। हेलो। मीना को डॉक्टर साहब फोन करके बताते हैं कि अब उसके पापा नहीं है। ये सुनकर मीना का पूरा बदन सुन्न हो जाता है। आपका काम हो गया, अब मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए, आपकी जान। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ। मीना के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। मीना के पापा की मौत अचानक से कैसे हो गई ये भी लोगों के लिए राज बन के ही रह गया। और वो किताब मीना के मौत के बाद किसी को नहीं मिली। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @skulltales।